हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंवले की। आंवले का सीज़न चल रहा है, आंवले को हमें डेली खाना चाहिए, एक आंवला ज़रूर खाना चाहिए, जिससे कि आपके हेयर हेल्थ और स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। ये सब तो हमको पता है, लेकिन जब हम आंवला खाने के बात करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि किस तरह से आंवले को खाना है। नाउ यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगी कि किस तरह से आप आंवले को खा सकते हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ पहले बनाए हुए हैं जिसमें मैंने आंवले को खाने के तरीके बताए हैं। ये जो दो तरीके हैं ये नए हैं और इसमें आपको कड़वा भी नहीं लगेगा, टेस्टी भी लगेगा आंवला खाने में। और आंवला अगर आप डेली खाएंगे तो आपकी स्किन, हेयर और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आंवला जो है बहुत ही अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए। विटामिन सी होता है इसमें, जो कि आपके बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और साथ ही साथ आपके कॉमन कोल्ड को फाइट करता है, आईसाइट को इंक्रीज करता है, आईसाइट को इम्प्रूव करता है, फैट को बर्न करता है, इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, आपके हेयर को बहुत अच्छा बनाता है, स्किन को इम्प्रूव करता है, क्रॉनिक कोई कंडीशन है उसको मैनेज करता है और ये पेन से रिलीज करता है। आंवला बहुत ही अच्छा होता है, सुपर फूड होता है, इसको ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन हम किस तरह से खाएँ इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताऊँगी। सब्सक्राइब करिए बिंदु नेचुरल वर्ल्ड को, आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। 1 किलो आंवला लिया है, आंवले को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने पानी डाला है 1.5 से 2 लीटर और उसमें आंवला डाल दिया है और उसको मैंने फ्लेम पे रखा है और इसको मैंने थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तो जब तक ये गर्म नहीं होता तब तक आप इसको तेज आंच पे रख सकते हैं। जब ये अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसको हम ढक देंगे और स्लो फ्लेम कर देंगे। साथ ही साथ ये आपका 5 to 10 मिनट्स लेगा, जिसमें कि आपका ये आंवला इस तरह से बॉयल हो जाएगा। ये बॉयल हो जाएगा जब आपको थोड़ा सा ये स्प्लिट होने लगेगा अपने आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी जो फाँक है वो अलग हो जाती है। इस तरह से जब वो हो जाए तो आप उसको बंद कर दें और बंद करने के बाद इसको छान लें। छानने के बाद आपने ये आंवले थोड़े से ठंडे होने के लिए रख दें, नहीं तो आपका हाथ जलेगा इसको अलग करने के लिए। तो थोड़ा सा जब ये हल्का ठंडा हो तब हम इस पर काम करेंगे। और जो ये पानी आप देख रहे हैं, ये पानी मैं यूज़ करूँगी मेहंदी के पैक बनाने में। मैंने इसका प्रिपरेशन तैयार कर रखा है, लेकिन अभी 1 से 2 दिन लगेगा वीडियो आने में, तो आप इसका वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हमने आंवले की गुठलियों को अलग कर लेना है और आंवले की फाँकें अलग कर देनी है। नाउ ये जो है उबला हुआ आंवला बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए, इसका हम बनाएंगे अचार और साथ ही साथ हम इसका बनाएंगे आंवला कंसंट्रेट। बहुत सारे लोगों को फ्रेश आंवले का जूस पसंद नहीं आता क्योंकि बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन ये जो रेसिपी मैं आपको आंवला कंसंट्रेट की बताऊंगी, इसमें हम इस तरह से बनाएंगे कि ये टेस्टी भी लगेगा आपको और हेल्दी भी रहेगा। तो आंवले की रेसिपी, आंवला जूस की रेसिपी मैं आपको बताऊंगी और इस आंवले जूस को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं काफ़ी दिनों के लिए, ताकि आपको ये डेली ना बनाना पड़े। तो इस तरह से आपने फाँके अलग कर लेनी है और मैंने यहाँ पे 1 बाउल के जितना आंवला लिया है, उबला हुआ आंवला, और 1 कटोरी, जितना आप आंवला लेंगे उतना ही आपने चीनी लेनी है, शुगर ली है मैंने और उसको अच्छे से मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है। इसमें मैंने यहाँ पे आंवला डाल दिया है और उसको ब्लेंड कर लिया है। अब यहाँ पे अगर ब्लेंड करने में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल दें, आंवला का ही पानी डालेंगे जो हमने उबला हुआ निकाला था, और इसको फिर से ब्लेंड कर देंगे। तो इस तरह से ये कंसंट्रेट बन जाएगा और आप इसमें थोड़ी सी और चीनी भी डाल सकते हैं, और चीनी डालने के बाद आप देखेंगे कि ये कंसंट्रेट बन गया है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पर नमक डाला था, मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आप इसको कांच के कंटेनर में डाल के रख सकते हैं, फ्रिज में रखेंगे 7-10 दिन, ये ख़राब नहीं होता है। उसके बाद जब आपने जूस बनाना है, 1 गिलास लेना है, उसमें 1 चम्मच ये कंसंट्रेट डालना है और नॉर्मल पानी डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे हमें फाइबर भी मिलेगा, आंवले के सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ ये टेस्टी भी लगेगा। आप इस तरह से इसको बना के रख सकते हैं और डेली का 1 गिलास ये आंवला जूस पी सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ये आंवला बचा था उसमें मैं डालूंगी अचार का मसाला। नाउ ये जो अचार का मसाला है, ये मेरा आम के अचार का मसाला मैंने अलग किया था जो एक्स्ट्रा था, बट अगर आपने इसको घर में बनाना है तो आपने लेनी है लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल डालना है और आपने अलग से मसाले को पहले से हल्का दरदरा ब्लेंड कर लेना है, जिसमें हम यूज़ करेंगे 2 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच सौंफ, और साथ ही साथ इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और फिर हम उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने आंवले की क्वांटिटी के हिसाब से। जैसे कि 1 किलो के हिसाब से था तो 2 चम्मच नमक आएगा कम से कम, 2 चम्मच नमक डालेंगे और सारा मसाला डाल देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर हम डालेंगे हींग। तो इन सबको आपने गर्म लोहे की कढ़ाई में
लोहे की कढ़ाई में गरम सरसों के तेल में ये मसाले डाल देने हैं। थोड़ा सा जब वो रोस्ट हो जाएगा तो आपने बंद कर देना है, और उस मसाले को, वो मसाला इसी तरह का ही दिखेगा जिस तरह का आपको ये दिख रहा है, उसको आपने इसके अंदर डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे उसको फिल कर लेंगे अपनी बॉटल में। ना यहाँ पे मैंने लाल मिर्च आपको दिखाया कि मैंने लाल मिर्च डाली है, तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास हरी मिर्च हो तो हरी मिर्च भी छोटा छोटा काट के इसके अंदर डाल सकते हैं, ताकि मिर्च का जो असर है सारा आंवले में भी आए तो टेस्ट और अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये मेरा मिर्च का अचार अलग से बना हुआ था, तो इसको मैंने इसके अंदर ही मिक्स कर दिया है, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके मैं कंटेनर में फिल कर लूँगी। सो ये जो अचार है, वैसे तो ये अभी रेडी है फ्रेश खाने के लिए, ये टेस्ट जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो उसे उसी दिन ही स्टार्ट कर देती हूँ खाना। बट किसी किसी को ये थोड़ा सा ज़्यादा गलने पे अच्छा लगता है, तो जैसे आपकी विश हो वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ दिन के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इजीली 2 से 3 महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा, और इसको हम डेली अपने खाने के साथ खा सकते हैं। तो इस तरह से आप आंवला को इंक्लूड करें अपनी डाइट में, अपने बालों का, स्किन का, हेल्थ का ध्यान रखें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए घंटी को ज़रूर दबाइएगा। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।